अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लेक्चर नंबर 5 है हमारा, एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम फॉलो करते हैं जब हम कोई रिसर्च करते हैं। व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए ये बार बार आएगा, प्लीज़ आप लोगों ने डरना नहीं है। बार बार क्वालिटेटिव रिसर्च का जिक्र आएगा, बार बार रिसर्च की चीज़ों का जिक्र आएगा। उसका पर्पज़ ये है कि आपके जहन में बिठा दिया जाए कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। नो की अनएथिकल क्वालिटेटिव रिसर्चेस, क्योंकि ये भी पता हो कि कौन सी अनएथिकल क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं, कंडक्टेड हुई हैं। अंडरस्टैंड की एथिकल इश्यूज एंड प्रिंसिपल्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये देखा जाए कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एथिकल इश्यूज होते कौन क्या हैं। अभी एक रिसर्च है हैनकॉक की, हैनकॉक 1998 आर्ग्यूज दैट क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। एक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये चीज़ें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एक्सपीरियंसिस फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज टू प्रोड्यूस सब्जेक्टिव डाटा टू मेक जनरलाइजेशन। अच्छा जी, डाटा दो किस्म के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसमें आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, परस्पेक्टिव नहीं होता। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जिसके अंदर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी होता है, रिकमेंडेशन सजेशन हो गई। अब वो कह रहे क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं ओपिनियंस एक्सपीरियंसिस या तो इंडिविजुअल्स के या कम्युनिटीज के। जब आप किसी कम्युनिटी के ओपिनियन या एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो ये डाटा सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि ये किसी का डाटा है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सारे उस पर बात कर रहे हो। तो ये सब्जेक्टिव डाटा उससे की बेस पर आप जनरलाइजेशन बना देते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने ये देखा है कि जब किसी चीज़ की जब कोई चीज़ ब्रांड बन जाती है ना, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, हालांकि महंगी और ब्रांड बन जाए और महंगी हो। अमूमन महंगी चीज़ों को नहीं खरीदा जाता, लेकिन अगर एक चीज़ ब्रांड बन जाए ना, तो लोग फिर उसको बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। दिस इज जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव डाटा। एक्सप्लोरिंग सोशल फिनोमेना और इश्यूज बाय एग्जामिनिंग पीपल और कम्युनिटीज इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। आपने डिफरेंट सोशल फिनोमेनाज को इश्यूज को देखना होता है, उनको उनकी नेचुरल सेटिंग्स में रखकर। जैसे ये बात अभी कही कि एक चीज़ ब्रांड है, जब नॉर्मल क्या होता है, जनरली होता है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है ना, तो लोग उसे परचेज करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ ब्रांड बन जाए ना, तो फिर डिफरेंट हो जाते हैं, लोग उसे परचेज करते हैं। आप शुगर का क्राइसिस देख लें, जो मर्जी हो जाए लोगों ने शुगर खरीदना नहीं छोड़ी, दो दो ढाई ढाई घंटे लाइन में खड़े लेकिन शुगर लिए। हालांकि शुगर तो आप तो मेडिकल के स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वो सिर्फ आपका टेस्ट का इशू है, उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो एक क्या कहते हैं ब्रांड बन चुका है, सोशल फिनोमेना है, आप देखें लोग शुगर यूज करते हैं। डिस्क्राइबिंग कल्चर्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल ग्रुप्स इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च इसलिए होती है। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च होती थी पहले ज़्यादा सोशल साइंसेज में, जैसे सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, लिटरेचर में, क्यों हिस्ट्री में होती थी, क्यों? क्योंकि इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि सोशल आप क्या कहते हैं सोशल आप सेगमेंटेशन करें, सोशली देखें सोसाइटी में कितनी सेगमेंटेशन है, कितने ज़्यादा स्ट्रेटास हैं, कितनी लेयर्स हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह तो हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर क्लास, अपर हाई क्लास, एलीट क्लास, फला क्लास, बड़ी क्लासेस हैं हमारे यहाँ पर। तो आपने सारा सोशल आपने क्वालिटेटिव रिसर्च इसने करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि व्हाट आर व्हाई डू वी कंडक्ट सोशल क्वालिटेटिव रिसर्चेस, तो आप फिर यहाँ से आंसर कीजिएगा। एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, कल्चरल नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल आइडियाज। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पर्पस ये भी होता है कि आपने एक्सप्लोर करना होता है कि इंडिविजुअल का और कम्युनिटीज का कैसा रिलेशन है, कल्चरल कौन से नॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक और पोलिटिकल आइडियाज़ क्या हैं। जैसे अक्सर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सिंध की एक असेंबली के अंदर एक MNA ने सिंध की खातून थी, उसको कोई लफ्ज़ बोला जो कि अच्छा नहीं था, तो उसको बैकलैश जो बंदे को है वो अपने लोगों से भी आने लगा। फिर वो मामला संभाल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, उसने जाकर ना उस लड़की के सर पे दुपट्टा रख दिया, MNA के खातून के सर पे दुपट्टा रख दिया। अब सिंध की ये रवायत है कि जब आप किसी के सर पे दुपट्टा रख देते तो वो आपकी बहन हो जाती है, उसने और उसने कहा ये मेरी बहन है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर वो खामोश हो गई, फिर नहीं वो बोली। अब ये देखो, ये आप फिनोमेना को कैसे समझ सकते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च करके, एनालिसिस करके, वहाँ का स्ट्रक्चर जानो कि वहाँ पे क्या क्या नॉर्म्स है। वहाँ का ये नॉर्म है कि अगर आप किसी को दुपट्टा बना के कह दो कि मेरी बहन है, तो वो आपकी बहन है। फिर उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, आखिर वो बहुत हाइपर हुई हुई थी और उसकी कंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही थी, बट उसने उसी वक्त ख़त्म कर दी बात। उसने कहा नहीं, अब उसने मेरे सर पे दुपट्टा बना के उन्होंने मुझे भाई कह दिया, बहन बना लिया, अब बात खत्म हो गई। मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। अच्छा, डिफरेंट किस्म के रिसर्च डिजाइन, इसमें एथनोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको जरूर थोड़ा आगे फर्दर पढ़ेंगे। होपफुली आप लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी पढ़ा हो। फेनोमेनोलॉजी, ये रिसर्च डिजाइन है, याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। लिटरली द स्टडी ऑफ फिनोमेना, फिनोमेनोलॉजी होती है डिफरेंट फिनोमेना की स्टडीज। डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड,
एक फिनोमेना हो रहा है ना आपकी दुनिया के अंदर, आपकी दुनिया का वो हिस्सा है, उसको पढ़ने को हम कहते हैं फिनोमेनोलॉजी। जैसे आप देखिए पॉलिटिकल हैपनिंग्स हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होती हैं, सोशल इशूज़ होते हैं, ये जो आजकल हैरेसमेंट के, रेप केसेस, मर्डर केसेस बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, ये फिनोमेनोलॉजी है। अगर इनकी स्टडी हम करें, जैसे जैनब मर्डर केस के बाद एक फिनोमेनोलॉजी उठी कि मर्डर केसेस क्यों होते हैं, उसे डार्क वेब का पता चला, लोगों ने डार्क वेब के बारे में रिसर्चेस की। अच्छा जी, डार्क वेब में इस तरीके से होता है कि लोगों को अजियत दे के मारा जाता है और लोग उसको परचेज करते हैं, उन वीडियोस को, या लोग परचेज करते हैं इस चीज़ को कि आप किसी बच्चे को या किसी इंसान को उठा के लाए, उसे अजियत दें, वो सारी उनको लाइव दिखाई जाती है। ये डार्क वेब के अंदर सारा कुछ होता है। ये फिनोमिनोलॉजी है, ये स्टडी जो इस फिनोमिना की है। इथनोग्राफी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल फिनोमिना एंड कम्युनिटीज, इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ कल्चर एंड पीपल, ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स एज दे आर इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशंस। नॉर्मली इथनोग्राफी जो होती है ना, उसके अंदर होता है ये कि आपका ऑब्जर्वर खुद इन्वॉल्व होता है। आप किसी माशरे की किसी सोसाइटी लोकेलिटी चूज कर लेते हैं, जैसे आप किसी गांव को चूज कर लेते हैं, आप उसमें मानसायरा का कोई गांव है वहां जाके आप चूज करेंगे, वहां रहेंगे लोगों के साथ, और फिर उनके नॉर्म्स को, रवैयों को, बर्ताव को, उनकी लाइफ को, उनकी सोशल हैपनिंग्स जो हो रही है वहां पर उनको स्टडी करेंगे। दिस इज एथनोग्राफी। देन ग्राउंडेड थीरी, यूजिंग एम्पिरिकल डेटा विदाउट प्री कंसीव थीरीज, इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थीरीज बाय कलेक्टिंग एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट अ फेनोमेनन। अच्छा, ग्राउंडेड थीरी क्या है? वो एम्पिरिकल डेटा लेती है। पहले तो समझ लें एम्पिरिकल डेटा क्या होता है। एम्पिरिकल डेटा आपका होता है जो लोगों के एक्सपीरियंस से डेटा आता है ना, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल डेटा। अब ये आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडेड थीरी तब होगी जब आप एम्पिरिकल डेटा तो लेंगे लेकिन वो प्री कंसीव थीरीज पे नहीं होगा। प्री कंसीव होता है कि पहले से बनाई गई थीरीज, यानी आप एम्पिरिकल डेटा की बेस पर कोई नई थीरीज बना रहे हैं। Involves development of new theories by collecting and analysis of data about a phenomenon. आप एक phenomenon के बारे में empirical data collect कर रहे हो और एक नई theory लेकर आ रहे हैं, then this is grounded theory. Case study, ये तो हमारे पास बड़ी examples हैं. In-depth study of a particular situation और an intensive analysis of individual unit. आप किसी individual unit या situation को या case को अच्छी तरीके से study करते हैं उसकी, that is case study. जैसे मलाला यूसुफ जई का जो सारा केस था वो आपका केस स्टडी में आता है, जैसे आसिया बीबी का केस था वो भी सारा केस स्टडी में आता है, जैसे मुख्तार माई का केस था वो भी सारा केस स्टडी में आता है। दीज आर केस स्टडीज। कोर रिसर्च एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज। अब एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स और इश्यूज क्या हैं जो आपने क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए जहन में रखने हैं। कोर एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इंक्लूड रिस्पेक्ट टू पर्संस, कंसर्न फॉर वेलफेयर, informed consent process, confidentiality and anonymity and privacy. अब देखिए ethical principles से आप ये चाहते हैं कि respect हो इंसानों की, welfare की, फिर उनकी जो consent है ना वो informed हो, उनको पता हो कि उनकी रजामंदी हासिल की गई है, ठीक है। Confidentiality और फिर जो भी results हैं, जो जो वो चीज़ें के confidence रखनी है आपने confidence में रखनी है। Anonymity, anonymity होती है कि नाम अगर उन्होंने कहा ना कि मेरा नाम ना लिया जाए तो वो फिर आपने नहीं लेना। एंड प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी रखें। अब जैसे ये जो शर्मीन चुनाई, उबैद चुनाई जो हिट हुई थी अपनी सेविंग फेसेस से, उसके अंदर जो इसने बर्निंग फेस में जिस बंदी का कहा था, इसने कहा था मैं उसकी एनोनिमिटी रखूंगी, प्राइवेसी रखूंगी, ये इसने डील की थी उसे, लेकिन हुआ कि इसने बाद में वो डील तोड़ी। इसने उसके वो वीडियो के अंदर बड़े क्लियर, वो लड़की आते फिर सेविंग फेस डॉक्यूमेंट्री में है, उसकी डाइवोर्स भी हो गई, कुछ ऐसे इश्यूज थे, अल्लाह माफ करे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने, वो क्लियर बताती है अपने इंटरव्यू में, उसके बहुत फैमिली इश्यूज हुए, लोगों ने अलहदा कर दिया, और उसने कुछ पैसे भी कहा था मैं आपको दूंगी, पैसे भी नहीं दिए। तो ये होते हैं मसले जब आप रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं? रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, उसमें क्या होगा? इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस, आप पहले बता दें, पहले आप कंसेंट्स लें। मैं देखता हूँ बहुत सी वीडियोस होती हैं इंटरनेशनल, उसमें वो क्या करते हैं, कुछ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो पहले पेरेंट्स से इजाजत लेते हैं कि हमने आपके बच्चों के रिजल्ट स्टडी करनी है, तो आपकी इजाजत है, ये होती है इन्फॉर्म कंसेंट। फिर है बेनिफिशियंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, आपने बेनिफिशियंस रखनी है, उनको ये पता हो कि हाँ उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। कंसर्न फॉर वेलफेयर, एनोनिमिटी, आपने उनका ख्याल रखना है कि उनका नाम नहीं जाएगा, जस्टिस, ये कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। अकॉर्डिंग टू ऑब इसेनहॉर एंड विनेडन, एथिक्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग हार्म इन रिसर्च। देखें, अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च को हार्म नहीं होना चाहिए। अब देखिए शर्मीन चुनाव बहुत को इस वक्त वेस्टर्न मीडिया ने उठाया हुआ है, वरना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, क्योंकि उसकी रिसर्च हार्म हो चुकी है। उस खातून ने इंटरव्यू देके कहा कि मेरी सारी प्राइवेसी इन्होंने लीक की, जो उन्होंने मुझसे तय किया था कि नहीं लीक करेंगे, नहीं बताएंगी।
Qualitative researchers are responsible for ensuring that they adhere to the guidelines of ethical principles and issues of their research. देखिए qualitative researchers जो होते हैं उनका काम होता है कि ये सारी की सारी जो guidelines और principles हैं उनको follow करें. अगर वो नहीं करेंगे तो next time लोग काम नहीं करेंगे. अब शर्मीन उबैद चुनाव के साथ next time एक खास सबका जो majority है वो काम नहीं करेगी. बस एक खास सबका जो western जो सारे आपके मौकफ है उनको बयान करता है वो तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा. मूवमेंट होता क्या, क्योंकि उसने तो अपना काम कर लिया. वो रहती ज्यादातर ये इस तरह के लोग फिर अमेरिका जाके सेटल हो जाते हैं, उनकी लाइफ और अमेरिका इंश्योर कर देता है. उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, अब वो हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर आते हैं तबाही मचाते और चले जाते हैं, फिर वहां सेटल हो जाते हैं. सम की अनएथिकल इशूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च हिस्ट्री. अच्छा कुछ अनएथिकल इशूज भी हैं. अब ये कहाँ से लिखेंगे उसके बारे में थोड़ी सी उन्होंने रेफरेंसेज दिया, आगे देखते हैं. वो ये है जी, रिस्पेक्ट फॉर पीपल और पार्टिसिपेंट्स. लोगों की किस तरह रिस्पेक्ट की जाए. रिकग्निशन इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट्स राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट. Consent may be given in written format, verbally and audio tape or video tape. अच्छा आपने सबसे पहले ये recognition रखनी है कि आपकी informed consent है. जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों के ऊपर experiment करना है तो उनके parents से आप पहले consent लें. Written भी हो सकती है, verbal भी हो सकती है, audio tape, video tape भी हो सकती है. Informed consent is a procedure by which participants chose whether or not to participate in a research. Consent is ongoing, can be revoked at any time during the research or study. बाज़ का जो स्टडी में पार्टिसिपेंट्स होते हैं आप उनकी भी कंसेंट लेते हैं, ज़्यादा लेते ही हैं आप उनकी रिसर्च. जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करें आप उनकी कंसेंट लेंगे, और ये कंसेंट जो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी भी वक्त रिवोक हो सकती है. हो सकता है वो आपसे कहें कि बस हमारी कंसेंट अब और नहीं है, आप हमें मजीद स्टडी ना करें. कंसेंट इज डायरेक्ट व्हेन द एग्रीमेंट इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. इट इज इनडायरेक्ट और थर्ड पार्टी व्हेन इट इज गिवन बाय समवन अदर देन द पर्सन टू बी इन्वॉल्वड इन द रिसर्च स्टडी. अगर तो जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुद अपनी कंसेंट दे रहा है तो ये डायरेक्ट कंसेंट है. पर अगर जैसे मैंने केस आपके सामने रखा, पेरेंट्स से आपने कंसेंट दिया बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट ये थर्ड पार्टी कंसेंट होगी. एलिमेंट्स ऑफ कंसेंट, कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन एंड वॉलंटेरीनेस. अब ये डिफरेंट चीज हम डिस्कस करेंगे. कैपेसिटी क्या है, कंसेंट देनी है ना तो उसमें कैपेसिटी क्या है. पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू एक्वायर, रिटेन एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन. Participants are deemed competent or incompetent based on their capacity. Participants को हम ये देखते हैं कि क्या वो information ले सकते हैं, दे सकते हैं या evaluate कर सकते हैं information. उसी की capacity देख कर ही हम decide करते हैं कि क्या वो competent है या incompetent है participants. फिर information effectively communicated to participants both substance and manner. Consent must be written in the language that participants can understand. Information में आपने ये देखना है कि क्या पार्टिसिपेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी. जैसे मैं अक्सर एक शो देखता हूँ कि खलीलुरहमान कमर वाला जो हुआ था वाकया, उसके बाद मंसूर अली खान ने खलीलुरहमान कमर को कॉल कर करके सुबह शाम दोपहर कॉल कर करके इन्वाइट किया. अब जब वो आ गया ना तो उसने टीवी में उसका इंट्रोडक्शन कराया कि मैं तो इनको नहीं बुलाना चाहता था लेकिन हमें लगा कि इनका मौका ले लेना चाहिए इसलिए मैं उनको बुला रहा हूँ. अब जबकि देखो अब उस बंदे ने कितनी ज्यादती की, उनको सुबह शाम कॉल करके उनको गाड़ी भेज के बुलाया लेकिन शो में कैसे जाहिर किया जाकर कि हम जो हैं वो क्या कहते हैं हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हमने बुला लिए. तो ये होता है इन्फॉर्मेशन कि आप इन्फॉर्मेशन क्लियरली बताएं कि आप किस परस्पेक्टिव से बुला रहे हैं, क्या क्वेश्चंस करेंगे. बहुत पॉलिटिकल शोज में ये भी इशू होता है कि पहले सवाल दिए जाते हैं, बताया जाता है कि इन टॉपिक्स पर बात करेंगे. अगर आप उनसे हट के बात करें ना तो लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं. तो ये इशूज रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में खासतौर पर नहीं होने चाहिए. और एक और चीज़ याद रखिए कि कंसेंट उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लैंग्वेज उस बंदे को समझ आती हो. Duress or other forms of constraints or coercion, any undue influence would violate the principle of voluntariness. अच्छा voluntariness के related बात हो रही है कि voluntariness पहले वो नीचे वाला point पढ़ना था. voluntariness is participants' ability to exercise the free power of choice without the intervention of force, fraud or deceit. यानी कोई जबरदस्ती ना करे, कोई फोर्ड ना करे, जबरदस्ती ना करे, कोई धोखे से ना हो और आप पार्टिसिपेट कराएं किसी रिसर्च में. पार्टिसिपेंट अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करे तो उसे कहते हैं वॉलंटेरीनेस. ऊपर है ड्यूरस, ड्यूरस होता है प्रेशर. अगर ड्यूरस हो या किसी के किस्म का कंस्ट्रेन है या कर्शन है या इन्फ्लुएंस है तो ये वॉलंटेरीनेस नहीं होगा. जैसे वाले साहब जबरदस्ती किसी पार्टिसिपेट कराने पर आप लोगों को कहते हैं जाओ जी फंक्शन अटेंड करो, जैसे स्कूल्स में होता था हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जबरदस्ती हमें उठा के ले जाते थे किसी जगह पार्टिसिपेट कराने के लिए, हम नहीं जाना चाहते पर हम जा रहे हैं. तो ये आपका वॉलंटेरीनेस के जो प्रिंसिपल है उसको डिफीट करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. बेनिफिशियंस एंड कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. आपने ये कंसर्न रखना है पार्टिसिपेंट्स का. बेनिफिशियंस एज एन एथिकल प्रिंसिपल इन क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स प्रिवेंटिंग हार्म एंड डूइंग गुड फॉर अदर्स इन रिसर्च. आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई नुकसान ना हो रिसर्च में.
Beneficence and welfare of participants include issues such as the impact of research on participants physically, psychologically, spiritually, economically and socially. फिर आपने ये भी उनको बताना है कि इस रिसर्च के क्या होंगे इफेक्ट्स. ये ना कि उनको नुकसान हो और रिसर्च कर दें उसके बाद वो रिसर्च का हिस्सा बने के उनको को आके मार के चला जाए. आपको रिलीजियस बेसिस पर रिसर्च कर दें उसके बाद उनको पैंटी पड़ रही हो. माया ने एक शो करती थी सुबह मॉर्निंग विद माया खान ऐसे करके उसको शो था. उसने एक रिसर्च कोई बनाई थी पास में जाके ना लड़के लड़कियों के साथ उसने डिस्कशन किया था वो जोड़ों के ऊपर कि ये कपल्स बहुत डेट्स मारने आते हैं. उस शो के बाद बहुत मसला हुआ उसका वो शो खत्म कर दिया गया. और फिर बाद में उसने बताया कि वो सारे के सारे परफॉर्मेंस थे वो असल लोग नहीं थे ठीक है. और लोगों को तो मसला नहीं कर माया खान को बहुत मसला हुआ उसका शो ही खत्म हो गया. तो जब आप कोई रिसर्च कराएंगे ना तो आपने लोगों को बताना है कि इसके ये मसले हो सकते हैं आपको फिजिकल सोशल पॉलिटिकल आ सकते हैं इश्यूज. प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो. Privacy, confidentiality and anonymity issues are closely connected with concern for welfare of participants. आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लोगों की जो प्राइवेसी है जैसे मैंने शमीम ओबैद चुनाई का केस आपके सामने रखा उसने उसकी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया. Privacy, confidentiality and anonymity have become an increasingly valued right in qualitative research. देखो qualitative research के अंदर आपको एक researcher ने कह दिया ना कि उसकी privacy ना जाए. आपने कॉन्फिडेंस रखनी चीज़ें तो आप नहीं कर सकते. फिर इस पर केस भी हो सकता है. अक्सर अगर आप प्रैंक्स की वीडियोस देखें तो लोग उसमें पूछते हैं प्रैंक करने के बाद क्या हम ये आपकी वीडियो शो कर सकते हैं. और जब अगर कोई कह देना नहीं कर सकते तो वो उसको ब्लर कर देते हैं या उनका पार्ट ही निकाल देते हैं. तो ये प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है. डीलिंग विद प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी मेंटेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस एंड कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मीन्स दैट रिसर्चर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवीलिंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिटीज. देखिए बड़ी क्लियर बात है अगर आपने उनकी आइडेंटिटीज आपने रिवील कर दी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सजा मिलेगी. लीगल पनिशमेंट होनी चाहिए. द यूज ऑफ सूडो नेम इज रिकमेंडेड व्हेन डीलिंग विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी. सूडो नेम होता है कि आपको सूडो नाम दे दे गलत नाम फेक नाम दे दें. तो अमूमन लोग करते हैं कि ये जो आप जराइम वगैरह के प्रोग्राम देखते हैं कोई देखे ना देखे शबीर तो देखा उसमें होता क्या उसमें वो रियल नेम नहीं बताते उसमें जो सूडो नेम होता है ना एक फेक नेम से वो सारी स्टोरी सुनाते हैं. Total privacy is virtually non-existent, so participants are required on occasion to yield a certain amount of privacy for one reason or another. देखिए total privacy करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो बेहतर है कि participants खुद इतने alert हो इतने alarmed हो कि वो अपनी privacy को खुद maintain करवाए. Fairness and equity in qualitative research. अब आपकी research के अंदर fairness और equity कैसे आएगी. Researchers shall not exclude participants in a qualitative research on the basis of their ethnicity, gender, race, culture, age or sexual orientation. देखिए अगर आप कोई रिसर्च करें तो सिर्फ इस बेस पे कि वो औरत है उसको बाहर नहीं निकाल सकते. अगर आप निकाल देंगे तो आपकी जो रिसर्च तो होगी वो क्वालिटेटिव होगी पर वो फेयर नहीं होगी उसमें इक्विटी तो नहीं होगी इक्विटी नहीं होगी. Qualitative researchers are required to address the fair inclusion and exclusion of individuals and equitable treatment of participants. देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब रिसर्च करें तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट एथनिसिटीज़ और एज वगैरह को रिप्रेजेंट करें जेंडर को रिप्रेजेंट करें और उनके साथ ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए. ये नहीं हो कि किसी कास्ट की वजह से आप किसी को साथ अच्छा पहले जैसे पाकिस्तान में होता है कोई एक आपको अपनी कास्ट का बंदा मिल जाए तो आप उसको ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं. आपने क्वालिटेटिव रिसर्च में ये चीज़ नहीं करनी. कमेंट्स ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च एथिक्स कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के एथिक्स के ऊपर. क्वालिटेटिव रिसर्चर्स नीड टू हैंडल कैपेसिटी अ की कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट केयरफुली because the age of majority depends on where the research is being done. For example, the age of majority in Canada is different from the other countries. In Ontario, the legal age of driving a motor vehicle is lower in rural communities. अब वो कह रहे हैं कि जब आपने रिसर्च करनी तो आपने चीज़ ध्यान में रखना कि कैपेसिटी को अच्छी तरीके से हैंडल करें ठीक है ना. अब जैसे हमारे मेजोरिटी एज और मेजोरिटी में फ़र्क होता है. हमारे यहाँ एक बंदा मेजर तब होता है जब वो 18 साल से ऊपर हो जाए ठीक है. 18 साल से ऊपर को मेजर कहते हैं उससे नीचे वाले को माइनर कहते हैं. अब वो कह रहे हैं मेजोरिटी का इशू भी कुछ जगहों पर होता है कुछ जगहों पर एज और मेजोरिटी कम है कुछ पर ज़्यादा है. तो आपने इस तरह के इश्यूज को भी जहन में रखना है. यू आर डूइंग अ स्टडी ऑन टीनेज प्रेगनेंसीज इन कॉन्गो अफ्रीका. यू फाइंड दैट मेनी ऑफ द यंग वेमेन यू इंटरव्यू ब्रिंग अप स्टोरीज ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा दे हैव एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रेप. देयर आर इंस्टेंसेस दैट द इंटरव्यू बिकेम अपसेटिंग टू बोथ यू एंड द पार्टिसिपेंट इंटरव्यू. ओके अब वो कह रहा है कि यही होती है चीज़ कि आपने लोगों के एज ग्रुप को जहन में रखना है. बहुत से अपने प्रेगनेंट वुमेन के ऊपर जो ट्रॉमा से वो गुजरती हैं उसके दरमियान को सेक्शुअल अब्यूज़ या हैरेसमेंट और उनके साथ हो सकती है फिजिकल अब्यूज़ सेज रेप वगैरह के साथ गुजर सकती हैं. तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो पार्टिसिपेंट्स इतने एज में होती हैं कि वो ट्रॉमा फील करने लग जाती हैं. योर रिसर्च एथिक्स बोर्ड हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड योर इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म टू टॉक्स अबाउट द रिस्क ऑफ फीलिंग uncomfortable with some of the questions but the responses are overwhelming than you expected. What do you do? Should you stop the interviews and revise your consent form
फॉर्म और शुड यू रिपोर्ट दिस टू रिसर्च एथिक्स बोर्ड। देखिए आपने रिसर्च एथिक्स बोर्ड से पूछा, कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा नंबर केसेस में ऐसी खवातीन आ रही हैं जो आपसे बात नहीं कर, आपसे बात करते करते रोने लगे, ट्रॉमा में जा रही हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए, उसका रिजल्ट यही होगा कि आपने दोबारा रिव्यू करना है, इंटरव्यूज को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें और उसके बाद दोबारा एक एज फैक्टर डिसाइड करें। आप याद करेंगे अपनी रिसर्च से, आप देखें कि किस एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करें, तो फिर उस एज पे अपने एक्सपेरिमेंट करें, अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च करें। कंक्लूजन, पार एंड रिलेशनशिप इश्यूज बिटवीन रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स आर प्राइमरी टू कंसिडर इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए पावर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप। अब बाप और बेटा एक ही अगर रिसर्च में, तो आपको बहुत मुश्किल है कि सही रिजल्ट मिले, बेटा नहीं अपने बाप के सामने सही बिहेव कर सकता। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इशूज ऑफ द रिसर्च। ये बात हम कर चुके हैं कि जो एथिकल इशूज है ना, जैसे प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अनोनिमिटी, अगर आपको कहा गया कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। अब शर्मीन उबैद चिनॉय ने कितनी उसके साथ ज्यादती की कि ना सिर्फ उसका नाम शो कर दिया, उससे जो रिक्वायर्ड उसको कहा था कि इतने पैसे आपको दूंगी वो भी नहीं दिए। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स नीड टू नो देयर पार्टिसिपेंट्स, नो व्हाट रिस्क आर इन्वॉल्व एंड हाउ टू मिनिमाइज इट। पहली बात तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना कि क्वालिटेटिव रिसर्च जब आपने करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन है और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है और कैसे आप उनको मिनिमम कर सकते हैं, आपने उनको बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको पता है कि माइनॉरिटी कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो गया ना तो यहाँ पे तो सीधा आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगना और उसके पीछे आपके पीछे मॉब वायलेंस शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना कि रिसर्च करते वक्त, हालांकि आपको मैं बताता हूँ कि हम, आपको पता है कि हम अपने एम फिल के रिसर्च कर रहे थे और एम फिल में हमें से बहुत से दोस्त रिलीजियस टॉपिक्स लेना चाहते थे, हमें टीचर्स ने साफ मना कर दिया कि आपने ये रिसर्चेज नहीं लेनी, हमने करानी भी नहीं और ना किसी ने आके, आपको बहुत मसले होंगे इसलिए करनी नहीं, हमें मना ही कर दिया कि आपने रिसर्चेज नहीं करनी। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के इश्यूज हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। की क्वालिटेटिव रिसर्च प्रिंसिपल्स एंड इश्यूज आर इंटरट्वाइंड, इफ यू आर इन डाउट कॉन्टेक्ट योर रिसर्च एथिक बोर्ड। Key qualitative ethical principles and issues include respect for persons, concern for welfare, beneficence, justice, informed consent, privacy and anonymity and confidentiality. देखिए की जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रिंसिपल्स हैं वो ना, और जो इश्यूज हैं वो साथ ही होते हैं। कोई मसला होगा तो आप बार बार रिसर्च करते रहें, अपने एथिकल बोर्ड से बात करते रहें अगर कोई है मौजूद। जो असल क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, की रिसर्च एथिकल प्रिंसिपल्स, क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स, एथिकल प्रिंसिपल्स वो क्या है, आपने रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्राइवेसी की, इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। दैट्स इट, अब तक के लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रेफरेंसेज हैं, उसका सच कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको जरूरत हो तो उस पर कर लीजिएगा, कोई चीज़ ना समझिए तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।